बीजेपी के विधान पार्षद प्रसाद लाड के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री डालने के आरोप में पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर में युवा कांग्रेस के एक पदाधिकारी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर ठाणे के नौपाड़ा पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता आशीष सालस्कर पेश से एक ठेकेदार हैं। वह दक्षिण मुंबई में बीजेपी का एक स्थानीय पदाधिकारी और प्रसाद के जनसंपर्क कार्यालय का हिस्सा है। शिकायत में सालस्कर ने आरोप लगाया कि आरोपी ने फेसबुक पर लाड के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि 4 दिसंबर को जारी इस पोस्ट के बाद लाड और उनकी मां के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 500 यानी मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।